मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने देखा कि फूड वेयर इज इट कम फ्रॉम, ये हमने देखा कि खाना आपको कहाँ कहाँ से मिलता है और हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर को लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको जो पहले पीडीएफ भेजी गई थी उस पीडीएफ के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको बुक के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो आज हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आप इन्हें कहते हैं, यानी कि कौन कौन से इसके टाइप्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, उस बात को पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, लास्ट लेसन के अंदर, कि हमने देखा कि फूड हमें क्या देता है, फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होकर बायोकेमिकल एनर्जी, यानी बायोकेमिकल एनर्जी हमारी सेल को मिलती है जिससे हर एक एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर पाते हैं। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ एनर्जी से परफॉर्म होती है। और ये एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है, ये एनर्जी आपको फूड से मिलती है। अब फूड के कंपोनेंट्स, यानी फूड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि विच कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द फूड, फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स है उन्हें आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब, इसका मतलब है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इनको स्पेशली न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, हम पढ़ेंगे अभी इसको, सभी को पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ये जो भी इसके फैक्टर्स होते हैं फूड के, उसे आप कंपोनेंट ऑफ फूड या फिर आप इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट की बात करें तो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जब आपके खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सही सही मात्रा में डायरेक्ट प्रपोर्शन के अंदर जब आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसमें, तब आप उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। ये बात हम पहले लास्ट क्लास में सुन चुके हैं कि जिसमें हम देखा बैलेंस डाइट द डायरेक्ट प्रपोर्शन प्रेजेंट इन अवर फूड। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट पाए जाएँ, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं, जितना खाना खाने के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो जो होनी चाहिए, उन सबको आप कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप उसे कह रहे थे बैलेंस डाइट। देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारे खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, और अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए फूड के अंदर। सबसे पहला फूड कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हमें प्लांट्स से मिलता है, किस फॉर्म के अंदर, ये स्टार्च की फॉर्म में मिलता है। ये हमें प्लांट्स के अंदर कैसा पाया जाता है, ये स्टार्च के रूप में पाया जाता है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है वो है प्रोटीन, इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोटीन्स। और तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास वो है फैट, और फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास है वो है मिनरल्स, मिनरल्स। फिफ्थ नंबर हमारे पास लिखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इसके साथ साथ आपके पास रफेज या फिर हम इसे कहते हैं विटामिन्स, विटामिन्स। और यहाँ सिक्स नंबर हमारे पास है वो है हमारे पास वाटर। देखिए, फैट में हमारे रफेज भी आते हैं, इसके साथ हम बात कर रहे हैं ऐसे सभी, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे खाने में डायरेक्ट प्रपोर्शन के अंदर होने चाहिए, सही सही मात्रा में, सही सही अमाउंट में होने चाहिए, तब हाँ आप उसे क्या करेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। द न्यूट्रिएंट्स विच प्रेजेंट इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब होते हैं वो जो डायरेक्ट प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, आप उन्हें न्यूट्रिएंट या फिर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये आपके कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस डाइट के अंदर होने चाहिए। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे सबको, सबसे पहले शुरू करेंगे हम स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट। आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला कंपोनेंट आप स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए ऐसे कंपाउंड्स हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा, यानी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ऐसे कंपाउंड्स हैं ये, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बात हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, यानी हमने जो शुरुआती क्लास लगाई थी वो सारी कौन सी थी, एलिमेंट्स के बारे में, मतलब कार्बन एलिमेंट,
हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उन्हें आप कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। यानी एक अचानक से आपको ज़्यादातर यानी ज़्यादा एनर्जी अचानक से मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। देखिए अगर फूड की बात करें, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट शुगर और स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी वेरी मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है स्टार्च और शुगर में। जो शुगर आप लेते हैं, जो चीनी है वो भी एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैगरी इज़ ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो चपाती आप खाते हैं, गेहूं राइस वगैरह आप जो खाते हैं, वो सब क्या है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं ये सब। यानी जितने भी सीरियल्स हैं, आप सीरियल्स की बात करें जैसे वीट या फिर राइस, नॉर्मली शुगर की बात करते हैं, ये सब आपके पास सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। फॉर्मली अगर हम बात करें, हमारे फूड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे स्टार्च या शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप इसके टेस्ट की बात करें कि टेस्ट कैसे करते हैं कि आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, आप कैसे टेस्ट करेंगे इसको, इसको टेस्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। ये बात हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, आयोडीन टेस्ट कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है आयोडीन टेस्ट। देखिए क्या करते हैं कि ऐसा इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें मतलब जैसे वीट ले लो, आप राइस ले लो, उसका पाउडर बनाते हैं, तब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर आप उस पाउडर के ऊपर क्या करते हैं कि उसमें आप आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं, आयोडीन उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट की जाती है, उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट हैं उसकी पुट अप करते हैं एट द इंग्रेडिएंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ समय के बाद क्या होता है वो पर्पल कलर देता है, वो ब्लू ब्लैक कलर, एक ऐसा कलर लगभग ब्लू ब्लैक सा कलर आपको अपीयर होता है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर अपीयर का, ब्लू ब्लैक कलर का अपीयर होना ये क्या बताता है आपको, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बताता है। ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है, इसके फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम प्रोटीन के टेस्ट के बारे में और उस प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।